हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू ज्ञान जी जे चैनल आज हम मैथमेटिकल लिटरेसी का पार्ट थ्री लेकर आए हैं तो इसमें जो हमारा यूनिट थ्री है वो मैजिक स्क्वायर से रिलेटेड है और ये मैजिक स्क्वायर बहुत इम्पोर्टेंट है आपको हर एज ग्रुप में इसको लगेगा मतलब आप बड़े भी हो जाएंगे तब भी आप और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें भी आपको ये आना चाहिए अभी जैसे छोटा है तो आगे आपको बड़ा वाला आ जाएगा पर ये एक बेसिक मैजिक स्क्वायर आपको आना चाहिए तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अ मैजिक स्क्वायर इज अ स्क्वायर विद अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सच दैट द नंबर्स इन ईच रो ईच कॉलम एंड द डायगनल्स एड अप टू द सेम नंबर मतलब फर्स्ट रूल इसके फोर रूल्स हैं फर्स्ट रूल हमारा ये है कि अगर हमें इसे ऐड कर रहे हैं हम जो ये रो है इसको हम ऐड करेंगे तो 15 आएगा कॉलम्स को ऐड करेंगे रोज को ऐड करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा कॉलम्स को ऐड करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा एंड डायगनल्स को ऐड करेंगे तब भी वो सेम नंबर आएगा मतलब आपने इन सबको ऐड किया तो भी 15 इन सबको ऐड किया तो भी 15 इन सबको ऐड किया तो भी 15 ऐसे ऐड करा तो भी 15, ऐसे ऐड करा तो भी 15, ऐसे आपने ऐड करा तो भी 15, एंड लाइक दिस आल्सो एंड लाइक दिस आल्सो तो आप किसी तरीके से भी इसको ऐड करें रो कॉलम या डायगनल से तो आपका हमेशा जैसे इसमें 15 आ रहा है तो हर एडिशन में आपको 15 आएगा तो ये थ्री बाय थ्री का मैजिक स्क्वेयर है आपका और इसमें कितने नंबर्स होंगे डिजिट कितने वन टू नाइन आप किसी भी तरीके इस तरह के और भी मैजिक स्क्वेयर आप खुद भी बना सकते हैं पर पहले हम इसके बेसिक समझेंगे तब हम खुद से इसको बनाएंगे तो थ्री बाय थ्री थ्री बाई थ्री क्यों? कि इधर भी थ्री है हमारा ये भी थ्री कॉलम और रो दोनों थ्री है इसलिए थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मतलब नाइन डिजिट्स होंगे मैजिक स्क्वेयर ऑफ नंबर्स वन टू नाइन कैन बी अरेन्ज एज फॉलोइंग इस तरीके से हमने इसको अरेंज है नाउ लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स केयरफुली इफ यू अरेंज द गिवन नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर अब हम इन नंबर्स को रीअसेंबल करके या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको जमा लेते हैं जैसे ये फर्स्ट हम वन ले लेते हैं फिर सेकेंड हमारा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन तो हमारे ये पूरे नाइन नंबर्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एन नाइन इफ यू अरेन्ज द गिवेन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यू गेट ये हमारी सीक्वेंस आती है One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. अब uh, वेयर five इज द नंबर दैट इज that लाइज that exactly इन द मिडल तो आपका देखो one यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो one, two, three, four. ये चार नंबर हैं और इसके बाद भी मतलब फाइव सेंटर में आ रहा है और उसके बाद के भी हमारे चार नंबर है सिक्स सेवन एट नाइन इस तरीके से तो सेंटर वाला कौन सा नंबर हो गया हमारा फाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो से हमेशा याद रखना है कि अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज uh, करते हैं जो मिडिल नंबर है वो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर uh, है तो आप इसको रिमेंबर करें फिर फाइव इज द नंबर दैट लाइज एग्जैक्टली इन द मिडिल और ये इस जगह पे ये फाइव आएगा इन सीक्वेंस के बीच मिडिल नंबर है वो मिडिल नंबर हमेशा यहाँ आएगा मिडिल में थ्री बाय थ्री का या जो भी आपका मैट्रिक्स है उसके सेंटर में ये आएगा इन द अब मैजिक स्क्वायर नोटिस दैट फाइव इज राइट इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर लेट अस लव इट लुक एट द डायग्नल सी डायगनल्स देखिए आप ये हमारे डायग्नल्स हैं तो हम इसमें फाइव माइनस टू करते हैं तो भी थ्री आता है एट माइनस फाइव करते हैं तो भी थ्री आता है हम दूसरा डायग्नल इस तरह वाला डायगनल देख लेते हैं तो सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन एंड फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू वन तो ये हमारा सेकेंड रूल है फर्स्ट रूल हमारा थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है 1 9 इसके नंबर्स होते हैं सेकेंड रूल असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करेंगे तो फाइव जो सेंटर में आया है वो इस मैट्रिक्स के सेंटर में आएगा फाइव अब हम डायगनल्स को माइनस करते हैं तो हमारा जो माइनस आता है वो भी सेम आता है इसी तरीके से हमने ये लाइन इसको भी माइनस करेंगे और इस लाइन को भी माइनस करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा तो जैसे सिक्स माइनस फाइव ये डायगनल्स थे हमारे रो को करते हैं तो नाइन माइनस फाइव फोर आ रहा है एंड फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर तो अब ऑल्सो द सम इन ईच केस इज फिफ्टीन हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हर जो रो कॉलम है उनको हम ऐड करते हैं तो फिफ्टीन होता है विच इज कॉल्ड द मैजिक कॉन्स्टेंट और उसी को हम बोलते हैं मैजिक कॉन्स्टेंट जो फिफ्टीन है जो सबका एडिशन है वो हमारा मैजिक कॉन्स्टेंट है अब इसमें थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है तो मिडिल इन टू द मैट्रिक्स नंबर यू गेट फिफ्टीन और वही हमारा मैजिक कॉन्स्टेंट फाइंड आउट हुआ है तो ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम्स जब आपको नंबर बहुत कम दिए होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए यही रूल्स आपको काम आएंगे अब इसको मैजिक स्क्वायर क्यों बोलते हैं बिकॉज एंशियंट टाइम में हैव बीन कनेक्टेड टू द सुपर नेचुरल इन द मैजिकल वर्ल्ड सो इसलिए हम इसको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि आपको एक या दो नंबर भी दिए हुए हैं तो आप सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलिए हम इसे क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर यूजिंग नंबर्स फ्रॉम सेवन टू ट्वेंटी वन तो हमारे जो नंबर्स आएंगे वो सेवन और ट्वेंटी वन के बीच के ही होंगे मिडिल नंबर्स ही होंगे सेवन से लेकर ट्वेंटी वन तक की सीरीज में तो वो भी कोई भी पैटर्न हो सकता है जरूरी नहीं सीक्वेंस हो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हैं और नाइन टोटल हमारी आना चाहिए तो अब हमारे पास उन्होंने मैजिक कॉन्स्टेंट भी दिया है फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय थ्री मतलब मल्टीप्लाय बाय थ्री तो हमारा फोर्टी टू आ गया एंड अब हमें टेन प्लस इलेवन कर दिया तो क्या हो गया हमारा ट्वेंटी वन अगर ट्वेंटी वन फिर फोर्टी टू इससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 तो ये जो नंबर है यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 इसी तरीके से सारे नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं 11 18 करेंगे तो 9 2 29 हो जाएगा एंड अगेन 42 से आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 13 तो यहाँ आपका 13 आ जाएगा अब आपका ये पूरी सीक्वेंस कंप्लीट हो गई है आप ये दो ले लीजिए या ये ले लीजिए कोई भी आप इसे लेकर सॉल्व कर सकते हैं आप ये वाला ले लीजिए क्योंकि आपके इसमें दो डिजिट्स नंबर आ गए हैं तो 21 14 इज 535 एंड अगेन सबट्रैक्टेड बाय 42 यू गेट 7 तो यहाँ आपका 7 आ गया अब ये दो नंबर्स फाइंड आउट करना है तो यू कैन जस्ट ऐड बोथ दस नंबर्स लाइक 14 13 आपने करा तो यू गेट 27 एंड अगेन माइनस इट बाय 42 यू गेट 15 एंड इन दोनों को भी सेवन प्लस एटीन करेंगे एंड बाय टू यू गेट 17 सो इट्स वेरी इजी इफ यू नो द रूल्स यू कैन डू द सम्स सो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ सो दैट यू कैन एक्वायर मोर नॉलेज इसी तरीके से थ्री पॉइंट टू दिया है मैजिक स्क्वायर गिवन बिलो यूज यूजेस ऑल इंटीजर्स फ्रॉम सेवन टू फिफ्टीन अब इसमें सेवन से फिफ्टीन तक के सारे नंबर्स हैं मतलब हमारे जो नंबर लाइक like करेंगे वो 7 से 15 के बीच के नंबर होंगे सम ऑफ द नंबर इन द रो कॉलम एंड द टू मेन डायग्नल आर द सेम हमारा हमेशा दिया हुआ है इनका सम इनका सम एंड ये दिस ऑल द रोज एंड कॉलम्स का सम जो है वो हमारा फिक्स रहता है तो ओ, यहाँ पे उन्होंने वो भी नहीं दिया मैजिक कांस्टेंट अब हमें ये तो पता है कि मैजिक कांस्टेंट नहीं दिया है और ये थ्री है ये भी हमें मालूम है और इसका इसका नंबर नंबर नहीं मालूम सो so, इफ अगर हम मिडिल फाइंड आउट कर दे तो हमारा पूरा मैट्रिक्स निकल जाएगा एंड मिडिल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेवन से लेके फिफ्टीन तक के जो नंबर हैं उसमें जो नंबर बीच में आएगा वही हमारा मिडिल नंबर रहता है तो हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इलेवन आप लिखिए सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो सेवन एट नाइन टेन आपके फोर नंबर्स इधर है उधर भी फोर नंबर्स है बीच का सेंटर नंबर आपका क्या हो गया इलेवन सो यू गेट इलेवन ईयर यहाँ पे आपका आ जाएगा इलेवन मिडिल नंबर आ गया आपको जब आपका मिडिल नंबर आ गया तो आप बाकी सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इलेवन प्लस फोर्टीन कर देंगे तो इलेवन प्लस फोर्टीन यू गेट फाइव ये 25 एंड हमने ये नहीं निकाला था मैजिक कांस्टेंट यहां m की जगह हमारा हो गया 11 11 मल्टीप्लाई बाय थ्री यू गेट 33 नाउ 33 से हम 25 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8 और ये हमारा नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है अब आप ये सारा पूरा पूरा नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है तो इसी तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन है चूज नाइन थ्री नाइन कॉन्जिकुटिव नंबर ऑफ यूर चॉइस एंड क्रिएट अक्वेर बायोइंग आप ये खुद से भी कर सकते हैं राइट द कॉन्जिक चूजन बायू कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक सीक्वेंस में जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे भी हो सकते हैं अगर लिखा है कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड तो वन थ्री फाइव सेवन हो जाएगा कॉन्जिकुटिव इवन है तो टू फोर सिक्स एट हो जाएगा ऐसे हमने सिर्फ नॉर्मल लिखा है तो आप लेके से लेके नाइन तक ले सकते हैं टू से ले तक ले सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला, वाला, चार इधर चार इधर और ये बीच में जो नंबर होगा वो हमारा सेंटर का होगा व्हाट इज योर मैजिक कॉन्स्टेंट अगेन द सेम फॉर्मूला मैजिक कॉन्स्टेंट आपका क्या रहता है मैजिक नंबर मल्टीप्लाई बाय थ्री क्वल टू मैजिक कॉन्स्टेंट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही करा था तो ये मिडिल नंबर है हमारा यहाँ पे मिडिल नंबर मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड यू गैव द मैजिक कॉन्स्टेंट इसी तरीके से आप खुद भी इस बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना परफेक्शन आएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग